सकते हो भाई, ये रानी तालाब जींद है। और आज आपको दिखाएंगे कि जींद में रानी तालाब से रिलेटेड जो कुछ भी बातें हैं हम आपको सभी बताएंगे इस वीडियो में। तो दिखा देते हैं हमको, ये जो गेट देख रहे हो आप, ये अंदर एंट्री के लिए है। यहाँ से ये देखो, यहाँ पे ये जो तालाब है इसके चारों ओर पानी है। अभी धूप के कारण थोड़ा वीडियो में साफ नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन आगे आपको साफ भी दिखाई दे देंगे, उस साइड से थोड़ा साफ आ रहा है। तो ये जो देख रहे हो श्री भूतेश्वर मंदिर, जो इस मंदिर का नाम है, जो ये जींद जिले में है, बहुत ज़्यादा फेमस है। अब बंद कर रखा ये गेट, पता नहीं क्यों, किस कारण से। वैसे तो ये 24 घंटे खुला रहता है। आगे आपको दिखाते रहेंगे इस वीडियो के माध्यम में। तो आपको वीडियो में आगे दिखाते रहेंगे कि इस मंदिर में लोगों की क्या क्या आस्थाएं हैं। और आगे वीडियो के माध्यम में आपको दिखाएंगे कि शाम के टाइम में ये जो कुर्सी लगाई हुई है, यहाँ पर बहुत से लोग बैठते हैं, आके बातें करते हैं, मंदिर में साफ सफाई करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। ये है जींद का रानी तालाब। और आप यहाँ पे आके वोटिंग भी कर सकते हो, बहुत सस्ती है यहाँ पे, 100-150 रुपये में आ करके आप यहाँ पर वोटिंग भी कर सकते हो। जो ये मंदिर है जींद में, जो रानी हुआ करती थी पहले, तो ये उस रानी, ऐसा बोला जाता है कि किसी टाइम में यहाँ पर जींद की जो रानी यहाँ पर नहाने के लिए आती थी और इस मंदिर में पूजा पाठ करती थी। पता नहीं भाई, लोग कहते हैं, हमें सब पता नहीं इस बारे में। बाकी आप यहाँ का व्यू देख सकते हो, बहुत अच्छा रखा है। आओ कभी तुम भी जींद में। बहुत बार लोगों ने यहाँ पर जान देने की कोशिश की है इस पानी में कूदकर, और हर बार पुलिस ने या फिर यहाँ के आसपास के लोगों ने उन्हें बचा लिया है। अब तो ये घटनाएं घटती नहीं। वैसे लोग बहुत सारे आते हैं, घूमते रहते हैं यहाँ पर। और चलो आगे चल कर हम देखेंगे इसके आसपास घूम फिर के क्या क्या हमें दिखाई देता है। बहुत अच्छा रिव्यू आता है यहाँ से आने के बाद। ये उधर ये चारों ओर इसके शहर बसा हुआ है, ये बीच में है बिल्कुल शहर के, रानी का तालाब। और पानी भी देख सकते हो, तो बहुत साफ पानी है यहाँ पर, फिल्टर है वगैरह, सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। देख सकते हो भाई आप, अंदर जाने की अभी अनुमति नहीं मिली हमें, बात करके भी देखा था। तो अगली वीडियो में देखते हैं, फिर कभी मौका मिले तो दोबारा जरूर चलेंगे हम अंदर की तरफ भी, आपको दिखाएंगे सब कुछ बातें। तो आप ये देख सकते हो हनुमान जी की भी यहाँ पर आर्ट बनाया गया है, यहाँ से देख सकते हो। और ये पीछे देख रहे हो, ये स्कूल है, ये SD सीनियर सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल है यहाँ पे पीछे, ये देख सकते हो। ऐसा रिव्यू आ रहा है यहाँ से, ये देख सकते हो। यहाँ पर भी सुरंग बनाई गई है जो आगे जा करके गेट के पास निकलती है यहाँ से सीधा, ये देख सकते हो। अब तो इसमें करीब चूहे चाहे के होने की संभावना है। आगे दिखाएंगे हम आपको, आगे इसमें एक मगरमच्छ भी है, मगरमच्छ यानी आर्ट बनाया गया है मगरमच्छ का यहाँ पे। आगे दिखाएंगे आपको अगर उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं हुई तो। और अब हम जा रहे हैं इसका एक राउंड लगाने के लिए, बहुत बड़ा है ये। बस ये कितने किलोमीटर में होगा ये इसका पूरा राउंड? करीब करीब होगा 1-1.5 किलोमीटर तो, कम से कम 1.5 किलोमीटर तो होगा शायद, तो पक्का अंदाजा तो नहीं है, लेकिन देखते हैं हम। करीब 400 मीटर दूर जाके वापस आ जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा दूर हो जाता है। और पीछे बाइक खड़ी है जो रोड पर है, तो दिखाएंगे हम आपको। वहाँ पर भी एक मगरमच्छ का आर्ट बनाया गया है रानी तालाब में, पहले कभी देखा नहीं था हमें। चलो अभी देखते हैं क्या कैसा क्या रहता है। बाकी आप देखो ये बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ से। और किसी भी फेस्टिवल पर या फिर किसी भी, जैसे कि 26 जनवरी या 15 अगस्त को वहाँ पर इंडिया का तिरंगा भी लगाया जाता है, और बहुत अच्छा रिव्यू हो जाता है उस टाइम पर यहाँ पर। बहुत रात के समय बहुत अच्छा रहता है, देख सकते हो आप यहाँ पे। उधर बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा बनाई गई है, मेरे ख्याल में बहुत ऊंची है वो, कितनी होगी, हरियाणा में तो नहीं, फिर भी दूसरे नंबर पर तो होगी, बहुत ऊंची है। इधर से तो ये पूरे इसके इस मंदिर के चारों ओर जो है पूरा शहर बसा हुआ है, और ये पानी में है, देख सकते हो आप। जिस मंदिर के हम, जिस मगरमच्छ की हम बात कर रहे थे, वो आ चुका है, तो आपको दिखाते हैं, वो मंदिर भी आ चुका है, दिखाएंगे हम आपको आगे। और हमें मिले यहाँ पर अंकल, अंकल की बात सुने जरा, क्या रहता है अंकल, क्या बात हो रही है? मैं भी पाऊंगी, शादी तो रखी है इन सभी की, रखी है शादी तो? नहीं सुनो, कोई है अच्छा नहीं, ठीक है
मन लाग लोग मन तेनु मांगना होवे केड़ शादी हो जाए है ना आड़ा मंगे पण मंगे भी भाई और नु है आई मन फकीर गया तो रफू के मारा पर ज्ञान को मिल जावे तो मिल जावे अंकल जान लग रहे और नहाएंगे आ रहे अंकल आप चलो अभी आ गए एक मिनट पीछे और जिससे मगरमच्छ की हम बात करें तो ये रख ये रहा भाई मगरमच्छ देख सकते हो कितना बड़ा इसका मुंह बनाया गया और कितनी बड़ी आंखें इसकी ये आगे जमीन में खत्म कर रखा है यहाँ से दफना रखा है बहुत लंबा इस लाइट के नीचे से इस तक की पूंछ है और ये बजरी से बनाया गया है देख सकते हो आप बहुत से लोग इसके साथ सवार करते हैं ऐसे देखो ये तोड़ भी रखा है ये देखो भाई अगर किसी को भी मगरमच्छ के साथ फोटो खिंचवानी है तो ये आ सकते हैं मगरमच्छ का ये मुंह खुला रखा मगरमच्छ ने। बारिश के टाइम में जब भी मैदान में ग्राउंड में पानी भर जाता है तो अक्सर एथलेटिक बच्चे यहाँ पर रेस लगाने के लिए आ जाते हैं और जॉगिंग करते बहुत सारे शाम को यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है और हम आपको दिखाएंगे कि अब रानी तालाब में एक अंकल नहाने के लिए जा रहा है तो देखते हैं वो किस तरह कहीं कितना गहरा है और कैसा है रिव्यू करेंगे हम अंकल जी के और आप यहाँ से जॉगिंग भी कर सकते हो रात के समय में शाम के समय में वैसे तो 24 घंटे खुला होता है लेकिन शाम को थोड़ा सख्ताई के कारण बंद कर दिया जाता है और यहाँ पर भी देखते हैं बरगद का बहुत बड़ा पेड़ है शायद ये इससे बड़ा पेड़ नहीं देखा होगा आपने कभी भी बहुत ज़्यादा दाढ़ी वाला पेड़ है जिस अंकल की हम बात कर रहे थे वो नहाने के लिए जा रहा है और आपको मंदिर में आगे दिखाते रहेंगे क्या से क्या है ये देखो अंकल जी अब यहाँ पर नहाने के लिए जा रहे हैं ये अभी कपड़े निकाल रहे हैं हम उस साइड थोड़ा कैमरा कम करेंगे ये कहीं हम भी देखें यहाँ पर डूब ना जाए इस करके हम थोड़ा इधर ही रहते हैं वो देखते रहेंगे क्या करता है क्या नहीं करता बस ये शाम के टाइम है यहाँ पर लाइट लगा दी जाती है और चारों ओर रोशनी हो जाती है बहुत अच्छा रिव्यू आता है आपको दिखाएंगे शाम के समय में भी आएंगे कभी दोबारा से। ये जो अंकल देख रहे हो आप यहाँ पर नहाने के लिए तैयार हो रहा है और अभी कपड़े निकाल रहा है देखते हैं ये कैसे उसका बता नहीं तैरना भी आता कि नहीं कहीं हमें ही इसको बताना पड़ जाए और देखेंगे आप क्या रहते क्या नहीं अभी ये अपनी जेब से पैसे निकाल रहा है चलो कुछ देर बाद देखते हैं क्या आता है नहाता भी है कि नहीं अगर ऐसे ही बात मारता है तो कुछ बच्चे वहाँ पर मछलियाँ भी पकड़ रहे हैं मछलियाँ पकड़ रहे हैं और नेट भी लगा रखा है उन्होंने इधर मछलियाँ पकड़ने के लिए देखते हैं जो अंकल है पानी में देखते हैं अंकल से बात करते हैं आगे दिखाते हैं ये देखो भाई अंकल ना तैरना नहीं आता इसलिए अपनी शर्ट को बांध करके नीचे उतर रहा है ओ गए वाह लेकिन ये कहते हैं हमको भी बचाना पड़ जाए ठीक से बंदू है हां ठीक है अरे यार आ कहने लगा इसने अंकल ध्यान तो बांध के कद तू पहुंच जा हाथ ला का अंक ये खुल जा कद ऊपर ता मतलब ये नींद में हो जाएगा ना लिया अंकल तो आज देखो भाई रानी तालाब में नहाते हुए शायद ही आपने किसी को देखा होगा रानी तालाब में नहाते हुए और ये बहुत एंजॉय करते हुए गर्मियों का टाइम है होली फाग भी नजदीक है अंकल तो ले गए मजे यहाँ पे अंकल यू क्या कर मछलियाँ इसमें ये बच्चे बोल रहे हैं यहाँ पे मगरमच्छ है इसमें मछली भी है मगरमच्छ भी पकड़ा जाए परसू या तरीका ने और वह मगरमच्छ कुछ नहीं क्या कर दवाई ये अंकल बोल रहे हैं कि बकवास है कुछ नहीं आया ऐसा यहाँ पे और अंकल बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं ये देखो आगे मत जाना कल कहीं हमको उतरना पड़ जाए कदम हमने पकड़ना पड़ जाए पीछे तो नहीं भीग जाए पैंट पहन रहे अंकल आप अंकल गारा गुर्रा भी है किधर में नहीं, नहीं, गारा नहीं इसमें
पानी टूटी हो रहे यहाँ निचली धरती है यहाँ पर बस इतना पानी है इतना पानी आगे और भी ज्यादा मिलेगा पानी आपको धरती है तो धरती धरती के ऊपर पैर है मेरा इसका हो नहीं जुड़ा अच्छा तो भाई आप यहाँ पर वोटिंग भी कर सकते हो हमारे दो चार भाई वो आ चुके हैं जो बतखवाड़ी कश्ती में लेकर आए हैं इधर आप वोटिंग भी कर सकते हो 100 रुपए में भाई आप वो कर सकते हो दो जने बैठ सकते भाई कितने रुपए में लगे है ये 50 रुपए पर पर्सन के लिए है आप इसमें जो भी कर सकते हैं एक जना अरे दो जने के लिए 100 रुपया ये जो अंकल आप देख रहे हो यहाँ पर डेली नहाते हैं ऐसे ही और यहीं पर कपड़े धोकर डेली नहाते हैं बिना किसी साबुन के बिना किसी सर्फ के अकेले दारू भी रहा नहीं दारू नहीं पी रखा ये ले रहा शैम्पू एक शैम्पू मुझे वापस जाना पड़ेगा क्योंकि बोल रहे थे अंकल दारू पी रखी है कहीं ये डूब ना जाएगा हमारा नाम ना हो जाए इसलिए हमें बाहर जाना पड़ेगा और मंदिर का गेट बंद होने के कारण हमें वापस जाना पड़ेगा फिर कभी आपको दोबारा ये भी दिखाएंगे और ये भी देख सकते हैं आप जो ये पीपल का पेड़ है बहुत ज़्यादा पुराना है इसमें तो वोटिंग भी नहीं कर रहे हम यहाँ पे क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है फिर कभी वोटिंग करेंगे और यहाँ पर श्री शिव जी का भी ये जो देख रहे हो कैलाश पर्वत यहाँ पे बनाया गया और शिव जी को भी यहाँ पर बिठाया गया है देख सकते हैं आप और इसमें यहाँ पर सुरंग है जो कि ये यहाँ से ख़त्म होती है और आगे से वहाँ से शुरू होती है जहाँ पर पीछे पेड़ दिखाई दे रहा होगा